गुड मॉर्निंग ग्रेड थर्ड, दिस इज अवर मैथमेटिक्स बुक ब्रिलियंट्स कंपोजिट मैथमेटिक्स। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिवीजन कंप्लीट कर लिया है और इसका रिवीजन भी हो गया, यानी कि इसको दो बार हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, आपको चैप्टर अच्छे से आया होगा। बहुत ही इजी कुछ सम्स मैं आपको दे रही हूँ, अब आप ये ट्राई करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा, अगर वो ये सम करेगा तो उसको काफी कुछ समझ में आएगा कि एडिशन क्या है, फिर माइनस क्या है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो अब आप ये सम्स करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जिसमें प्लस लिखा है वो आपको प्लस करने हैं, जिसमें माइनस लिखा है वो आपको माइनस करने हैं। ये 3 डिजिट के प्लस वाले सम हो गए और 2 क्वेश्चन ये हैं। तो एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता देती हूँ, उसके बाद आप इनको कर लेना, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 297 और इसमें ऐड करना है 995, 297 में 995 को ऐड करना है। सेकंड क्वेश्चन है 756 में 679 को ऐड करना है, किसमें, 756 में 679 को। थर्ड क्वेश्चन है 826 में ऐड करना है 90, क्या, 826 में 90 ऐड करना है। फोर्थ इज 500 में ऐड करना है 320, कितना, 500 प्लस 320। क्वेश्चन नंबर 5 है 540 माइनस 230, 540 माइनस 230। क्वेश्चन नंबर 6, 68 माइनस 33, 68 में से 33 माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 7, 971 में से 478 माइनस करना है, 971 में से 478 माइनस करना है। उसके बाद 94 में से 42 माइनस करना है, कितना, 94 में से 42 को माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 754 में 90 ऐड करना है और 123 ऐड करना है, 754 प्लस 90 प्लस 123। क्वेश्चन नंबर 10 है 276 प्लस 395 प्लस 148, दोबारा देखेंगे, 276 प्लस 395 प्लस 148, ठीक है ना। तो ये हो गए 10। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो, 276 लिखा है तो मैंने 265 बना दिया या 267 लिख दिया, अपनी मर्जी से अगर आपने कुछ भी इसके अंदर चेंजेस किए तो आपके क्वेश्चन में रॉन्ग लग जाएगा और आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इज इट क्लियर यू ऑल? आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने, जो स्टेटमेंट जैसे दी गई है आपको वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, काउंटिंग बाय फाइव्स राइट न्यूमेरल्स फ्रॉम 25 to 39। तो 5-5 का गैप देके हमें 25 से लेके 39 तक लिखने हैं, लिखेंगे। उसके बाद अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों पढ़े थे। मैं आपको यहाँ ये नहीं बताऊंगी डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, अब तो आप खुद करेंगे इसे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेनी, ये आपका सरप्राइज टेस्ट है। सो पेरेंट्स बिल्कुल भी बच्चे की हेल्प ना करें, हमें इससे ये पता चलेगा कि उसे कितना समझ में आया और कितना और उसे अभी समझाना है, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन दिए हैं इनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना बच्चों आपको, और ये सभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद चेक करके आपके मार्क्स बताए जाएंगे। 24 मार्क्स का ये टेस्ट रहेगा, देखेंगे कौन बच्चा कितने मार्क्स स्कोर करता है और अभी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स किसके आते हैं। तो जल्दी से ये क्वेश्चंस करेंगे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। अगर मुझे सही साफ दिखाई नहीं दिया तो मैं इतनी मेहनत करूंगी नहीं अब की बार की भाई एक एक वर्ड मैच करूं, सीधे क्रॉस लगेगा, क्योंकि ये टेस्ट है और टेस्ट को टेस्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।